सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके किशनगढ़ पे। तो पहले रोड करते हैं क्रॉस, जस्ट रोड भाई रुकते नहीं, कोई भी देखो। ओ ओ खाली 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 खाली। सो हे गाइस, माय नेम इज उमेश, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत करते हैं अपने गुरुजी के चरणों से, और काफी अच्छा था आज का दिन। जस्ट हमने अभी मोटा भाई ने हमारे नाश्ता तैयार किया, तो नाश्ते में देखो कि दो रोटी और ये सारी चीजें हमने रेडी करके, ये देखो, और चाय इसके बाद आने वाली है गोलगप्पा। और मोटा भी नीचे गया हमारा, गोलू हमारे नीचे गया, और हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद निकलते हैं ड्यूटी को, और दिखाते हैं आपको आगे का सिनेरियो। कुछ दिनों के लिए तो भाई ऐसे चलेगा, काफी अच्छा लगेगा। सो गाइस चाय भी आ चुकी है हमारी, और करते हैं नाश्ता, फिर दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद हम चल रहे हैं ड्यूटी को, और तुम नाश्ता बनाओ, तुम नाश्ता करो उसके बाद। इधर क्या खा रहा है भाई, सुबह सुबह रोटी खा ली तूने? दो रोटी खा ली, नहीं खाई, एक ही खाई, एक भी तो पूरी नहीं खाई। ये खाना खाता नहीं है ऐसी है। तो गाइस निकलते हैं हम ड्यूटी के लिए, और दिखाते हैं आपको आगे का सिनेरियो। तो चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों हम चले गए हैं आगे को, और यहाँ से जाएंगे सीधे किशनगढ़, वहाँ से ड्यूटी। आज आए हमारी आरटीवी विद ऑडिट, तो दोनों काम करने हैं साथ में। तो लेके चलिए आपको आगे दिखाते हैं आज का बिजी डे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेट्रो, और यहाँ से जा रहे हैं हम अंदर की तरफ। यस, और दिखाते हैं आपको आगे स्टोर, पूछ के काफी काम है यार आज स्टोर पे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टोर पे, और स्टोर पे हमारा लंच हो चुका है, खुलने के लिए तैयार। और टाइम भी हो चुका, अभी वो बज चुके हैं शाम के 4, तो 4 बजे हमारा लंच हो रहा है। देखो देखो 4 बज के 5 बजने वाले हैं, तो 5 बजे हमारा हो रहा है लंच। सो गाइस करते हैं लंच और आगे दिखा दिए आपको। सो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ घर को, और काफी एंजॉय किया अच्छे आते हमने। और ये देखो भाई साहब जाम, बट अब हम निकल रहे हैं मेट्रो से सीधा छतरपुर की तरफ को, तो आगे दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ पे, और यहाँ से अब जा रहे हैं, हमें जाना है क्या बोलते हैं मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मेडिकल स्टोर पे, पहले रोड करते हैं क्रॉस, जस्ट रोड भाई रुकते नहीं, कोई भी देखो। ओ ओ खाली 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 खाली, वेट, भाई साहब यहाँ पे ना रोड क्रॉस करना मतलब बहुत ही स्ट्रगल वाला काम है, आगे पीछे नहीं भाई, आगे पीछे भाई साहब। तो हम चल रहे हैं घर को, और दिखाते हैं आपको आगे का सिनेरियो। काफ़ी इंजॉय किया हमने आज का दिन, और अभी जाते हैं हम सीधे के सीधे मेडिकल स्टोर पर, उनकी दवाइयाँ रह गई थी तो वो हमने मंगाई थी, आगे आते हैं लेने के लिए, वहाँ पे चलते हैं। पहले मैं चल रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे, तो लेकर चलते हैं आपको आगे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं गौशाले के गेट से, हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये वाला रास्ता शॉर्ट है, और हमें ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पीते हुए इंजॉय करते हुए जाएंगे यहाँ से शॉर्ट रास्ते, क्योंकि वहाँ से बहुत भयंकर वाली भीड़ होती है, बहुत ही ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो मैंने बोला कि कट लेते हैं शॉर्ट रास्ते, सीधे यूँ करके क्रॉस करेंगे। और यार आज अपनी भी बहुत भयंकर वाली हाथ तबीयत खराब है, छाती में दर्द हो रहा है भयंकर दोनों साइड, और ऊपर शोल्डर के नीचे भी जस्ट पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी तो अपने लिए बोले ले रखी है, बट देखते हैं कल, सोचता हूँ दिखाऊंगा अपने को भी, भाई से भी की तबीयत खराब होती है, मेरी भी तबीयत खराब होगी लास्ट समय, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लेके चलते हैं आपको आगे, ये है गौशाला। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुका है भाई की शॉप पे, और गोले लेते हैं यहाँ से दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से। सो गाइस अपन निकल चुका है सीधे, और यहाँ से निकलते सीधे घर की तरफ, ये पहुंचे अपनी बेस्ट चीज खरीदने के लिए, वेफर्स, वेफर्स, वेफर्स। भाई मैं जितने भी मर्जी ले लूंगा, ये बहुत ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, टूटे हुए यार, टूटे हुए लिखेंगे लेते हैं, बहुत सारे टूटे हुए नहीं भाई, ये हमने बाय करेंगे 6 यहाँ से भाई जी। सो गाइज अपने वेफर बाय कर लें, अब हम चल रहे हैं घर को, और घर में कुछ सामान लेके जाना है, मे बी दाल वाल वो भी ले लेते हैं, तो घर निकलते हैं आगे जाते हैं। सो
गाइस हम पहुंचे थे मंदिर, अभी जस्ट हम निकल रहे थे, मैंने कहा गौशाला से चलते हैं, पेड़ देखो। तो दोस्तों मैं अभी आया था मेडिसिन लेने के लिए और फिर मैं निकला आगे, उसके बाद मैंने देखा तो मंदिर के रास्ते निकलते हैं, तो मैं निकला मंदिर के रास्ते। तो आज मंगलवार की प्रभु के दर्शन भी हो गए, तब हम निकल रहे हैं घर को, सामान लेके हमें घर जाना है, भाग लेके चलते हैं ऊपर वाले सबको देखते हैं, सभी को सभी के ऊपर कृपा बनाए रहे भगवान, बस आगे चलते हैं। ठीक है, राधे कृष्ण। फाइनली हम पहुंचे हैं पिज्ज़ा की शॉप पे और हमारा मन किया था पिज्ज़ा खाने, बूढ़ा ने बोला कि भाई पिज्ज़ा खाना है, तो हम चले, मैं पवन को लेके चला था सीधे मार्केट, और मार्केट में ये रहा भाई पिज्ज़ा। हम तो सबसे बेस्ट भाई यहीं आते हैं बोल के सवारी करके पिज्ज़ा खाने के लिए, तो हमने ऑर्डर किया कैप्सिकम पनीर टिक्का। सो गाइस फाइनली हमारा चीज़ वाला पिज्ज़ा आ चुका है, अब टेस्ट करके खाते हैं। ये देखो भाई जिम वाले बंदे, देखो जिम वाले बंदे भाई। तो लेट्स स्टार्ट पिज्ज़ा, एंजॉय करते हैं। तो पैक करने के लिए मैं दे दिया क्यू, फाइनली हमने ले लिया और अब हम चल रहे हैं घर को, तो निकल रहे हैं भाई सीधे आगे, भाई काफ़ी लेट हुआ टाइम, तो हम सोच रहे हैं हमारे 10 बज चुके हैं। अपन फ्रेश हो चुका है फ्रेश होने के बाद, और अब हम देखो ये देखो देखो लाइट बने, देखो पंखा बंद कर दिया ना ये देखो, और हमारा खाना एकदम रेडी हो चुका है, तो हम करते हैं डिनर और इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप सभी ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, तो मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले गुड नाइट एंड बाय, जय श्री राम।